हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ एडिटिंग आप लोगों को करके सिखाने वाले हैं, जो कि इस तरह का फ़ोटो को मैं इस तरह एडिटिंग किया हूं। तो इस तरह का एडिटिंग करने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आपको डाउनलोड करना है और मैं आपको जिस तरह से बताऊँगा उस तरह से आपको फॉलो करना है, तो आप भी इस तरह का स्मूथ करना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब कि खास बात यह है कि आपको देख सकते हैं दोस्तों, ये फेस कितना ज़्यादा मतलब कि बकवास लग रहा है दोस्तों। तो इसको मैं आप लोगों को स्मूथ करना सिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको टोन देना सिखाऊंगा, जो कि आजकल ज़्यादा वायरल में चल रहा है दोस्तों। अगर आप इस तरह का टोन देके फोटो एडिटिंग करते हैं और पेज पर डालते हैं किसी पेज पर, तो आपको वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जाकर एल पर प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है और वहां से आपको AutoDesk एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस फोटो को एडिटिंग करना आप लोगों को सिखाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों, और इस फोटो को कर लेना है पिकट्स करें दोस्तों AutoDesk एप्लीकेशन के अंदर शेयर। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों AutoDesk एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा AutoDesk दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको फोटो को आपको किसी तरह से करके इस तरह से कर लेना है। उसके बाद मैं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने ज़्यादा दाग धब्बे दिख रहे हैं दोस्तों आपको गाल पर, तो यहाँ पर इसको मैं स्मूथ करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ब्रश सेलेक्ट करना है, ये जो कि ये ब्रश आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इस ब्रश को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सेटिंग में आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको साइज को जितना भी रख सकते हैं दोस्तों आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर 6.1 रखा हूँ दोस्तों। उसके बाद फॉलो को आप 5 रखें दोस्तों, 5% फॉलो को रखिएगा, और ये जो सेटिंग है लास्ट में इसको 22% रखिएगा दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है दोस्तों, और अपने फेस को इस तरह से चला लेना है दोस्तों। यहाँ पर मैं देख सकते हैं इस तरह से आपको चलाना है फेस पर। चलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्लोली स्लोली चलाना है दोस्तों, जिससे कि आपका फोटो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लोली स्लोली चला लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फेस को स्मूथ करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फेस को स्मूथ करना है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लोली स्लोली चला लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ काम आ गया था, इसलिए मेरा वॉइस को रुक गया था, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लोली स्लोली चला लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से फेस पर फिंगर से चला लेना है दोस्तों, जो भी फिंगर से आप यूज़ करते हैं उससे आपको यहाँ पर चला लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा फेस स्मूथ हो रहा है दोस्तों, तो आप भी इस तरह से स्मूथ कर लीजिएगा दोस्तों। और थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने फोटो में दोस्तों, जिससे कि आपका फोटो बेहतरीन तरह से बन के निकले। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी दूंगा दोस्तों, जिससे कि हमारा फोटो बेहतरीन तरह से बन के निकले। तो यहाँ पर मेरा फेस तो स्मूथ हो रहा है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ हो रहा है दोस्तों। तो आप भी इस तरह से स्मूथ कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फेस स्मूथ हो गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरा पहले का फेस में था दाग धब्बा चिक पर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ, अब यहाँ पर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी दाग धब्बा नहीं जना रहा है दोस्तों, और जो भी जना रहा है दोस्तों उसको मैं कर दूँगा स्मूथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था दोस्तों, तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ दोस्तों, जिससे कि हमारा फोटो ख़राब ना दिखे। यहाँ पर मैं करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो गर्दन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको स्मूथ कर देना है। तो स्मूथ करने के लिए दोस्तों आपको गर्दन पर भी चला देना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर चलाता हूँ दोस्तों। और जहाँ भी मतलब हैंड पर भी आपको चला देना है, ऐसा नहीं कि गर्दन पर ही, पूरा मतलब अपने बॉडी को जहाँ भी आपको बॉडी दिखे वहाँ पर आपको स्मूथ कर देना है दोस्तों, जिससे कि आपका मतलब फ़ोटो का क्वालिटी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपका फ़ोटो में मतलब पूरा स्मूथ हो जाता है दोस्तों। तो आपको लगता है कि नहीं मेरा फोटो में मतलब स्मूथनेस आ गया है, जिससे कि आपका फोटो कहीं फटा उटा जो दिखता है वो नहीं दिखाएगा दोस्तों, आपका पूरा स्मूथ दिखेगा। तो इस तरह से आप फोटो जरूर कर लिया दोस्तों।
और इतना कर लीजिएगा दोस्तों, तब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं इतना करके आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों कि फेस को स्मूथ कर लेते हैं। पहले यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा हैंड बच गया, तो मैं हैंड वो भी हैंड बच गया दोस्तों, तो उसको भी मैं करके बताऊँगा। पहले इस हैंड को मैं कर लेता हूँ स्मूथ। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको इतना स्पीड में नहीं करना है। आपको अपना फोटो में जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना ही आपका फोटो बेहतरीन तरह से बन के निकलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर इस हैंड को कर लिया हूँ स्मूथ। अब अगला हैंड को स्मूथ करने जा रहे हैं दोस्तों, तो जितना आप टाइम दीजिएगा तो उतना आपका फोटो बेहतरीन तरह से बन के निकलेगा। तो मैं यहाँ पर इस हैंड को भी स्मूथ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस हैंड को भी स्मूथ कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहले का फोटो तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको जाकर गैलरी में आपको पहले का भी फोटो दिखाऊंगा दोस्तों, और आपका भी फोटो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा हेयर को भी कर लेता हूँ दोस्तों। हेयर को करने के लिए आपको क्या करना है कि फिर से उसी वाले आइकन पर क्लिक करना है जिस वाले आइकन पर उस टाइम क्लिक किए थे। तो मैं उस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। इस टूल्स पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के थोड़ा सा टाइम अति आ गया था दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद आपको सेटिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको 6.1 नहीं 7.3 रखना है। और फॉलो को क्या करना है दोस्तों कि इसको कर लेना है 28। उसके बाद सेटिंग को कर लेना है दोस्तों 42। इतना करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि हेयर पर आपको इस तरह से चला देना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हो रहा है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिर से सेटिंग में जाना है और यहाँ पर साइज को थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कम कर देना है। तो यहाँ पर मैं 3 नहीं दोस्तों 6 भी नहीं रखना, 4.7 कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको थोड़ा सा चला देना है दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह से आपको चला देना है, ज़्यादा नहीं चलाना है दोस्तों, थोड़ा सा चलाना है हेयर पर, जिससे कि आपका हेयर ब्लैक ब्लैक दिखने लगे, मतलब कि ज़्यादा इसमें अच्छा दिखने में लगता है दोस्तों। इस तरह से हेयर कर देते हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आप नीचे भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको भी ब्लैक ब्लैक कर दीजिएगा दोस्तों। इससे आप अपना हेयर को ऊपर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इतना करके तो आपको बताऊंगा नहीं दोस्तों, मेरे पास अगर हेयर को भी आप लोग मतलब कि उठाना चाहते हैं या फिर, तो उसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इतना कर दिया हूँ दोस्तों, आप भी इतना कर दीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस फोटो को सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं सेटिंग में आ गया था दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करना है। तो शेयर पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो शेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सेव टू ड्राइव पर क्लिक कर देना है। तो सेव टू ड्राइव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका फोटो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ये फोटो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं आपको गैलरी में जाकर दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये फोटो सेव होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर गैलरी में आ गया। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर गैलरी में फोटो सेव हो चुका है दोस्तों। तो मैं इस फोटो को गैलरी में सेव कर लिया था। तो मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है दोस्तों। तो मैं पहले का फोटो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मेरा फेस में कितना ज़्यादा दाग धब्बा दिख रहा है दोस्तों। आपको मेरा फेस में दाग धब्बा बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा दोस्तों। मैंने इसको स्मूथ कर दिया दोस्तों, और मैंने हैंड को भी स्मूथ कर दिया। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं इसमें अब टोन देना सिखाऊँगा दोस्तों आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है लाइटरूम। प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा दोस्तों, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इस फोटो को शेयर करता हूं दोस्तों लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो करता हूं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर। तो यहाँ पर ये फोटो हो चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों शेयर। एडिंग फोटो एल राइट फोटो लिखा हुआ है दोस्तों, मैं नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चला जाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चला जाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चला आया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो मैं बैग आके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। आपको क्या करना है कि आपको जब लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आइएगा तो फर्स्ट में आपको क्या करना है कि एल फोटो पर क्लिक कर देना है दोस्तों, जिससे कि आपका फोटो उसमें सिलेक्ट हुआ हो। तो मैं यहाँ पर एल फोटो पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर मेरा फोटो सिलेक्ट है। तो यहाँ पर मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ दोस्तों।
क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, ब्रश लाइट के ऑप्शन पर। यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ, तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देना है दोस्तों, 9 कर देना है, और इस प्रोसेस जो है इसको कर लेना है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दोस्तों, 0.9 कर लेना है और 19 कर लेना है। हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस की तरफ रख देना है दोस्तों, -10 कर लीजिएगा। उसके बाद शैडो को दोस्तों आपको क्या करना है, शैडो को 16 यानी 16 रख लेना है। उसके बाद हाइट को थोड़ा सा इस तरह से माइनस कर लेना है, -9, और ब्लैक को भी माइनस में रखना है दोस्तों, -17 रख लेना है दोस्तों। उतना करने के बाद दोस्तों आपका थोड़ा सा तो फेस ज़्यादा देखने में लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा टूल्स में आ जाना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको इस बैक हो जाना है, और यहाँ पर मैं दूसरा बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अब कि आपको जाना है कलर्स वाले टूल्स के अंदर, तो यहाँ पर कलर्स वाले टूल्स सेकेंड में आपको दिख जाएंगे दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है फर्स्ट में कि यहाँ पर आपको एक रुकिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक मिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप में को फर्स्ट में बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, तो फर्स्ट कलर को आपको क्या करना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं 10 रख दीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद 10 या 12, उसके बाद यू को माइनस में 13 रख लीजिएगा दोस्तों, या फिर 20 भी रख सकते हैं, मैं अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लिया हूँ दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों सेकेंड कलर में आना है, और सेकेंड में आपको क्या करना है, लुमिनेशन को ज़्यादा नहीं 17 रख लेना है दोस्तों, और सेचुरेशन को इस तरह से आपको माइनस में कर लेना है, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, -22 कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, लुमिनेशन को ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दिया दोस्तों। तो इतना करने के बाद जो थर्ड कलर है दोस्तों इसमें जाना है, इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यू को कर देना है, फुल नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं फुल करना है, इसको -80 कर देना है, और सेचुरेशन को इस तरह से आप रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 48 कर देता हूँ दोस्तों, या फिर मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ 63 कर देता हूँ दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों अगला जो ग्रीन कलर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वाले कलर को आपको ज़्यादा नहीं -88 कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो सेकेंड सेचुरेशन है इसको आप मिला के कर दीजिएगा दोस्तों, इसको मैं मिला के कर देता हूँ 46 कर देता हूँ दोस्तों, और लुमिनेशन को भी यहाँ पर आप मिला के रख सकते हैं दोस्तों, तो मैं इसको -31 पर रख देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों अगला कलर पर क्लिक करना है दोस्तों, और इसको फुल 100 यू को कर देना है, सेचुरेशन को भी माइनस में फुल कर देना है दोस्तों, और अगला कलर में क्लिक करना है, इसको माइनस में कर देना है दोस्तों, और इसको इस तरह से आप मिला सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको मिला करके कर देते हैं दोस्तों, माइनस में 48। उसके बाद दोस्तों इस वाले कलर पर क्लिक करके 86 या फिर 84 माइनस में कर देना है, और सेचुरेशन को भी। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि डन पर क्लिक कर देना है, तो डन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको डन हो जाएगा दोस्तों। डन होने के बाद दोस्तों मैं आपको इतना में ही दिखा देता हूँ दोस्तों, मेरा पहले का फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, और मैंने एडिट करके आप लोगों को इस तरह का करना सिखाया दोस्तों। तो मेरा पहले का आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, बिफोर और आफ्टर, यानी कि मैं यहाँ पर करके, अब आगे आप लोगों को भी कुछ करना है दोस्तों। उसके बाद आपको जाना है इस वाले टूल्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर, तो यहाँ पर आपको इस वाले टूल्स के अंदर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले टूल्स में आना है, इस दोनों को ऑन कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको और भी कुछ करना है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको 11 कर लेना है दोस्तों क्लैरिटी को, और यहाँ पर भिंग या जो लास्ट में लिखा दिख रहा है विजेंटी, इसको कर लेना है माइनस में इस तरह से, ज़्यादा नहीं दोस्तों, जिससे कि आपका फ़ोटो अच्छा देखने में लगे। 20 कर लेना है दोस्तों। उसके बाद जो है इस वाले को भी 42 कर लेना है, इस तरह से
कर लेना है तीनों को दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि डन कर देना है दोस्तों। डन करने के बाद इसको फोटो को इस तरह से आपको कर देना है। तो मैं आपको मैं बिफोर और आफ्टर फिर से दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर बिफोर देख सकते हैं दोस्तों और आफ्टर देख सकते हैं दोस्तों। मैंने बिफोर में एडिटिंग करके स्मूथ करके उतना बनाया दोस्तों, और आफ्टर में भी बिफोर देख सकते हैं दोस्तों और आफ्टर देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा स्मूथ कर दिया अपने फेस को। इस तरह का फोटो एडिटिंग मैं आप लोगों को, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा दोस्तों, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने फुल यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप बेस्ट एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे पता है दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। तो चलिए मैं इस फोटो को सेव करना आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो सेव करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव टू ड्राइव लिखा है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर स्पोर्ट फोटो लिखा हुआ आ गया दोस्तों, ओके पर क्लिक कर देना है दोस्तों, आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।